ईसा मसीह और उनके साथियों के करीब कैमरा, एक हाईटेक कैमरा ड्रोन पूरे चर्च में उड़ रहा है। यहाँ दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को बारीकी से कैमरे में कैद किया जा रहा है। बाद में ये फोटो रेस्टोरेटर को भेजे जाएंगे। इस तरह फोटो लेने के लिए मचान बनाने की जरूरत नहीं तो काफी समय बचता है, लेकिन इसमें गुब्बारे का क्या काम है? ये एक स्थानीय आविष्कार है जो ड्रोन की कई कमियों को आड़े नहीं आने देता है। सामान्य ड्रोन बहुत शोर मचाता है और 10 से 20 मिनट तक ही उड़ सकता है। अगर ड्रोन में गड़बड़ होती है तो वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है और इसका वजन 2 से 3 किलो होता है। दुनिया में हम अकेले हैं जिन्हें लोगों के ऊपर ड्रोन उड़ाने की इजाजत मिली है। हालांकि भीड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हीलियम गैस ड्रोन्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इससे बलून लंबी सुरंगों में भी उड़ाए जा सकते हैं या फिर निर्माण स्थलों की निगरानी कर सकते हैं। वे वर्चुअल विजिट में भी मदद कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड फेयर की सैर। वे ऊपर वायुमंडल में भी उड़ाए जा सकते हैं, जहां वे अंतरिक्ष में उपग्रहों की जगह ले सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये बड़ी कामयाबी होगी। ये टेक्नोलॉजी जर्मनी के दक्षिण शहर बाडेन बाडेन में जन्मी है। सिटी सेंटर में स्थित एक छोटा सा अपार्टमेंट कंपनी का मुख्यालय है। इसके डायरेक्टर सबा जिंगर दुनिया भर के इंजीनियरों के साथ काम करते हैं। महामारी शुरू होने से बहुत पहले से वे लॉन्ग डिस्टेंस वर्किंग के आदी हैं। अब कई बड़े निवेशक उनसे जुड़े हैं, लेकिन वे अब भी अपने ड्रोन की कीमत कम करने में जुटे हैं। दीवारों पर टंगे सर्टिफिकेट बताते हैं कि उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट भी सराह चुके हैं। ये दस्तावेज बहुत अहम है। इस तरह के सम्मान बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनसे भी जरूरी है औद्योगिक प्रक्रिया में मदद करने के काबिल बनना। जरूरी है कि आप ज्यादा प्रभावी हों, किफायती हों और जो टेक्नोलॉजी आप तैयार करें वो वाकई कारगर हो। सबसे पहले जिंगर चाहते हैं कि उनके ड्रोन बिना रुके उड़ते रहें। नई तरह की सोलर कोटिंग के लिए आज ही सैंपल टाइलें आई हैं। ये काम कर सकती हैं। जिंगर इस बात पर भी नजर रखते हैं कि दूसरे ड्रोन निर्माता क्या कर रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है। वे कहते हैं कि दूसरी कंपनियां भी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रही हैं। लक्ष्य है वायु क्षेत्र का इस तरह इस्तेमाल कि खतरनाक उत्सर्जन ना हो। डिजिटल टूरिज्म में हमारी दिलचस्पी है। इसके जरिए आप नोट्रेडाम और दूसरे कैथेड्रल देख पाएंगे, वो भी आधी दुनिया का सफर किए बिना। इससे खासकर इतिहास और आर्किटेक्चर के छात्रों को मदद मिलेगी जो यात्रा नहीं करना चाहते। वापस बाडेन बाडेन के चर्च में ईसा मसीह और उनके साथियों के बीच हीलियम ड्रोन अपना काम इतनी खामोशी और आराम से कर रहा है कि यहाँ शांति भंग नहीं होती। यहाँ तक कि लैंडिंग भी आराम से होती है।